हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं आलू से बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता की रेसिपी। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ऊपर से जितने क्रिस्पी दिख रहे हैं, अंदर से ये बहुत ही नरम होते हैं। तो दोस्तों चलिए देर किस बात का, इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। दोस्तों आलू आप ज़्यादा या कम अपने अनुसार दे सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, आप दे सकते हैं। इसको हमने अच्छे से छील के रख लिया है। तो दोस्तों इन्हें हम तोड़ेंगे हाथों की मदद से, इस तरह अच्छे से हम तोड़ेंगे। तो दोस्तों इसे आप अच्छी तरह से बॉईल करें ताकि ये अच्छे से मैश हो सके और इसे हमें बाइंडिंग करने में बहुत आसानी होती है। तो दोस्तों पहले इसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम डाल रहे हैं एक बड़े साइज़ की प्याज कुची और 2 से 3 यहाँ पे हरी मिर्चा आप लें, तीखा आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक हमें स्वाद अनुसार ही डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी डालेंगे हींग, 1 चम्मच भर के डालेंगे जीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के यहाँ पर डालेंगे हम गरम मसाला। तो दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा तीखा पसंद ना है तो इसलिए हमने हरे मिर्च डाल दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास धनिया नहीं था तो हमने नहीं डाले हैं। तो दोस्तों इसे हम हाथों की मदद से मैश करेंगे और अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। दोस्तों हमने इसे 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मैश कर लिया है और ये अच्छे से स्मूथ हो के रेडी है। तो हमने इसे इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो इसका हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, आप इसे अपने अनुसार इसका आकार दे सकते हैं, कोई भी आकार आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे गोल शेप में कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 आलू के 10 से 12 बॉल्स बना के रख लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के बॉल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक कटोरी लिया है, कटोरी में हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच दही। तो दोस्तों दही मैंने इसलिए डाला है कि इसमें थोड़ी सी खटास आएगी, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच बेसन डाले हैं, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच गर्म मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो दोस्तों इसमें हम नॉर्मल पानी डालेंगे और एक पतली बैटर बना के तैयार करेंगे। तो दोस्तों बैटर अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा बैटर अच्छे से बन के रेडी है। तो यहाँ पर हमने एक डिप करके देख लिया है, दोस्तों इस तरह ये ज़्यादा थिक नहीं है तो ना ज़्यादा पतला है। तो दोस्तों इसी तरह का हमें बैटर बना के तैयार करना है। तो दोस्तों इसे तलने के लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लिया हुआ है और इसमें हम डाल दिए हैं सरसों का तेल। तो दोस्तों तेल हमें यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लेनी है क्योंकि हम इसे डिप करेंगे तेल में और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो दोस्तों जब तक हमारे तेल गर्म होते हैं, चलिए हम दिखाते हैं हमारे आलू जो क्रिस्पी बनने वाले हैं किस तरह बनने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिया हुआ है ब्रेड के क्रम्स। तो दोस्तों इन्हें हमने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है और ये पाउडर के फॉर्म में आ गए हैं। तो इस तरह हम इसे डिप करेंगे इसमें। तो दोस्तों जो बने हुए आलू के बॉल्स हैं उन्हें उठाएंगे और इसे हम बेसन के बैटर में डालेंगे और साथ ही साथ हम डालेंगे ये ब्रेड क्रम्स में और इन्हें अच्छे से गोटे कोटिंग कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म तेल में डिप करेंगे और अच्छे से सुनहरा लाल होने तक हम इसे भून लेंगे। तो दोस्तों हम इसे बना के नहीं रखेंगे, हम इसे साथ ही साथ इधर बनाएंगे और इधर तेल में डालते जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं ना वो ताज़ा रहेंगे और ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे जब हम खाएंगे इसे। तो दोस्तों ध्यान रखें इस बात का। दोस्तों हमने इसे अच्छे से लाल होने तक भुना है, आप चाहे तो इसे ब्राउन में भी भून सकते हैं, लेकिन जो लाल कलर आते हैं ना उसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों ये जब अच्छे से बन जाए तो इसे हम एक साइड कर देंगे और भी जो बॉल्स है उन्हें बना कर हम एक साइड करके और भी डाल के इसे भून सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से तेल बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, ये ऑयली ऑयली भी नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बाहर से कितना कुरकुरे हैं और ये आप तोड़ेंगे तो ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। तो दोस्तों एक बार आप इसे घर में ज़रूर बना के अपने परिवार वालों को खिलाएँ। तो दोस्तों
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा रेसिपी पसंद आया होगा। तो मेरा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।